हेलो बेटा, तो दक्षिणा के एक क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज आपका उड़ीसा वाला 2019 का जो नेक्स्ट FST हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर के इंडिविजुअल क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे और रियलाइज़ करेंगे क्वेश्चन पेपर आपके पास 99% NCERT से था। यानी अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को आप ऑब्जर्व करें तो इट्स ऑल अबाउट NCERT and all the concepts that have been taught to you during your classes. So थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े शांत दिमाग से अगर पेपर को आप अप्रोच करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रफली यू विल टेक अराउंड 50 मिनट्स और आपका क्वेश्चन पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड, अगर आपकी प्रैक्टिस स्पीड अच्छी है तो क्वेश्चन पेपर 40 मिनट्स में भी कम्प्लीट हो सकता था। तो यही उम्मीद करते हैं कि इस साल भी पेपर कुछ इसी लेवल का आएगा और आपकी तैयारी, आपकी NCERT, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो इजीली आपके 340, 350 एंड आई कैन से आप 350 के अबव भी स्कोर कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सिलेक्टेबल मार्कर, क्या काम क्या है। हमेशा की तरह लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ते रहो, आपको देखेगा आंसर मिल जाएगा। मार्क अ जीन ऑन अ क्रोमोजोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कभी भी नहीं। सिलेक्टेबल मार्कर का तो बेटा हम सिंपल फंक्शन देखते हैं, तो सिलेक्टेबल मार्कर हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता लगाने में, डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। ये पढ़ते ही मुझे आंसर आता है और मैं जब सेकंड पॉइंट पढ़ता हूँ तो देखो, हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी रीजनरेटेड, टोटली फाइन। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई द जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट, नहीं। पहला क्रॉस, सेकेंड हमें सही है। सेलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक क्रॉप, ये स्टेटमेंट इज़ ओके बट बेस्ट जो स्टेटमेंट आपका बनता है वो सेकंड वाला बनता है, इसलिए आपके पास काम बन जाता है। अब देखो सिलेक्टेबल मार्कर के लिए ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट इज़, मैं कहूँगा गलत नहीं है, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहता है सेलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक क्रॉप, ऐसा नहीं है। सिलेक्टेबल मार्कर किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, नॉट जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक क्रॉप, एनिमल प्लांट किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हैंस आंसर नंबर 2 इज़ अ बेटर आंसर। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, जो कहीं पे भी नहीं मिलती। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वुड यू नोटिफाई टू सच स्पीशीज, अरे सीधी सी बात, वेस्टर्न घाट्स में ही अगर कोई चीज़ मिल रही है, बाकी जगह नहीं मिल रही, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एंडेमिक। और पढ़ाते वक्त 500 बार बोला था, एक वर्ड होता है पैंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है एंडेमिक। और जो हालात अभी चल रहे हैं उस हिसाब से एंडेमिक तो तुम्हें इस क्वेश्चन में समझ आ गया। पैंडेमिक और एपिडेमिक समझ लो। एपिडेमिक होता है वाइड स्प्रेड डिसीज़, ये है एपिडेमिक। लेकिन जो ये पैंडेमिक होता है कि इसका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है। अगर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है तो इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया जो आजकल हमें बहुत परेशान किए हुए है, कोरोना, समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर एंडेमिक था। कीस्टोन आप समझते हो, बाकी वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट, तो बेटा करेक्ट गोल गोल मारा और यहाँ लिख दो सही। कोशिश करो आप हिंदी में एक बार साथ में लिख दें, आपकी गलती करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, ओके स्टेटमेंट सही लग रहा है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें पता है ओजोन दो तरीके का होता है, गुड ओजोन बैड ओजोन। गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, बैड ट्रोपोस्फेयर में मिलता है, सिंपल। तो अगर दोनों में से अगर कुछ जो सही वाला काम करेगा, यूवी से रियल में प्रोटेक्शन करेगा, वो गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर वाला करेगा ना। थर्ड स्टेटमेंट देखो, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज बैड, नॉट एट ऑल, इट इज़ गुड, और यहाँ पे भी उल्टा लिखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गए, बेस्ट आंसर बना 1, इसलिए आंसर दिया गया 1। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, आपको किसी से इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस लेना है, यानी किसी से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है, तो आप क्या करते हो, ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको ऑब्जर्व करते हो, जेनेटिक लेवल पे देखते हो उसकी स्पीशीज़ को, उसकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को, रहने सहने के तरीके, हैबिटेट को, निश को पूरा एक्सप्लोर करते हो, ताकि हम देख सकें कि उस ऑर्गेनिज्म से हम लोग कोई बेनिफिट उठा सकते हैं कि नहीं। एग्जांपल देखो सिल्क वॉर्म्स को ऑब्जर्व किया तो हमें पता लगा वहाँ से हमें सिल्क मिल सकता है। तो हमने सबसे पहले एनालाइज़ किया, और एनालाइज़ करते हैं तो इसके लिए वर्ड होता है प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे अच्छे से मेरी बात देखना,
प्रोस्पेक्ट को हिंदी में कहते हैं पहलू। और अब किसी भी पहलू को, पहलू मतलब किसी का प्रोस्पेक्ट, का पहलू को कोई और वर्ड, हम आई एम नॉट श्योर, प्रोस्पेक्ट इज पहलू। और पहलू को हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं ना बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था एक्सप्लोरेशन करना है, एनालाइजेशन करना है, तो आंसर बायो प्रोस्पेक्टिंग बनता है। कितना डायरेक्ट है। अगर बायो प्रोस्पेक्टिंग आपको नहीं आता था ना, तो आपको पता था बायोपायरेसी नहीं हो सकता, रेमिडिएशन नहीं हो सकता, बायो एनर्जेटिक्स नहीं हो सकता। एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन निकलता है। पेपर में सिर्फ दिमाग को शांत रखना है, आंसर पे आप पहुंच जाएंगे, इस बात की मुझे गारंटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनोवेटिव रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। और प्लास्टिक वेस्ट का पूरे सिलेबस में एक ही ऑप्शन है, पॉलीब्लेंड बनाना, जिसको हम रोड में यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट ही आंसर है बेटा ये। प्लास्टिक को ज़मीन में दफना के कुछ नहीं होता, प्लास्टिक को ऑक्सीजन की एब्सेंस से जला के कोई इनोवेटिव तो तरीका नहीं है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो प्लास्टिक में कुछ करता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। नॉट कमेंसलिज्म ऐसा ही फिनोमेना, एक को बेनिफिट, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फीमेल वॉस्प एंड फिग स्पीशीज, इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। फिग के लिए पॉलिनेशन हो जाती है, वॉस्प के जो लार्वा होता है उसको खाने के लिए, उसके लार्वा को खाने के लिए सामान मिल जाता है। तो पहला वाला तो म्यूचुअलिज्म है। ऑर्किड ट्रीज, अब एक मिनट, क्वेश्चन सबसे पहले ही देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ये तो एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का है, तो आंसर हमारे पास पहला बन गया, तो हमने इसके आसपास डब्बा लगा दिया। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑर्किड एंड ट्री, ये तो कमेंसलिज्म है, यानी कमेंसलिज्म है। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कमेंसलिज्म। कैटल इग्रेट में बेसिकली वो देखे ना पंछी जो गाय भैंस के आसपास घूम रहे होते हैं, गाय भैंस खाना चढ़ती है तो मिट्टी फटती है, मिट्टी मतलब बाहर निकलती है, तो उसमें से जो कीड़े कीड़े निकलते हैं वो ये कैटल इग्रेट खा जाते हैं। सी एनिमनी इन क्लाउन फिश, क्लाउन फिश को प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाती है, सी एनिमनी को कुछ भी नहीं होता। तो ये तीनों कमेंसलिज्म, आपके पास जो आंसर नंबर वन है वो म्यूचुअलिज्म है, इसलिए आंसर वन निकल गया। इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड, इफ़ एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज लिबरली इरीगेटेड, लिबरली मतलब दिल खोल के पानी दे रहे हो तुम और बहुत लंबे तक देते जा रहे हो, मतलब दिन भर कोई काम नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है, वह पानी देते जा रहे हो, तो क्या होगा? अरे इतना ज़्यादा पानी दोगे तो कंडीशन क्या होती है कि जो ज़मीन में आपके पास मिट्टी में जो घुले हुए सॉल्ट्स होते हैं ना, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो पानी में ऊपर ऊपर आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पूरे ज़मीन के सरफेस पे सॉल्ट की वाइट कलर की डिपॉजिशन हो जाती है, यानी प्रॉब्लम आ जाती है सैलिनिटी की। आंसर वन। कितने सिंपल एग्जांपल्स हैं, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेथानोजन इज नॉट करेक्ट। बेटा यहाँ इस सॉल्यूशन में तो आपके लिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे हाईलाइट कर दिया है, लेकिन पेपर में आप हमेशा इसके बराबर लिखोगे नॉट करेक्ट को, आपको क्या करना है, गलत हिंदी में लिखो, मातृभाषा में लिखो अपनी, सेट हो जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथानोजन इज गलत। मिथानोजन क्या मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो सही है। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, यस। कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा, अरे बायोगैस में मिथेन तो होती है ना भाई। थर्ड, दे आर फाउंड इन र्यूमन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा, डेफिनेटली यस। यानी पहले तीन स्टेटमेंट सही, तो गलत ऑब्वियसली चौथा होगा। दे ग्रो एरोबिकली, ये प्रॉब्लम थी। सेंटेंस को बहुत स्लोली पढ़ना है, इसलिए आप गलत और सही स्टेटमेंट को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। दे ग्रो एनएरोबिकली, लेकिन यहाँ एरोबिकली लिखा है, तो फोर्थ स्टेटमेंट अपना गलत हुआ, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मल्डी आर ब्रॉट बाय। भाई इसमें तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ये तो आपके डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमने ये इनिशिएट किया था। कोका एल्कलॉइड, कोका एल्कलॉइड और कोकेन, कोकेन के लिए कोका, कोका कोका चलेगा, काम बन जाएगा, मस्त। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स विच पेयर हैज़ बोथ माइक्रोब्स दैट कैन बी यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। साइनोबैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जा सकता है, यस। एस्परजिलस को, नो। एस्परजिलस एंड राइजोपस, नहीं बेटा। राइजोबियम को यूज़ किया जा सकता है, बट राइजोपस को नहीं। साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, डेफिनेटली यस। आंसर फोर, एनसीईआरटी बेस सब कुछ। गिवन बिलो, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट, हिंदी पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है, गलत लिखो पहले, लिख लिया। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल सो इट इज लोडेड ऑन द जेल टूवर्ड्स एनोड। कि आपके पास स्टेटमेंट सही है गलत है, अब मेरे को देखना है
बेटा डीएनए एनोड के पास डालेंगे कैथोड के पास? हमें पता है एनोड जो होता है वो कौन से चार्ज का होता है, पॉजिटिव, एंड कैथोड कौन से चार्ज का होता है, नेगेटिव। हाँ हम लोग एनोड की बात कर रहे थे, तो एनोड डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव। तो आपको क्या एग्जैक्ट लगाना है कि डीएनए को हमेशा कैथोड के पास डाला जाता है, एनोड के पास कभी नहीं? जाहिर सी बात, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड तो डीएनए को अट्रैक्ट करके रखेगा, बट हमें डीएनए को पुश करना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रैवल अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट, बेटा पहली बात है कभी भी सरफेस पर ट्रैवल नहीं करते, उसके अंदर ट्रैवल करते हैं। हुज कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए, ऑब्वियसली जो डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली, नो, उसको आपको एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो हम ये गलत एंड डी गलत, ए बी डी गलत, आंसर नंबर वन। नेक्स्ट, एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, और एंड्स से तो हमेशा एक्सोन्यूक्लियस निकलता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, आरएनए इंटरफेरेंस में जब पढ़ाया था बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आपके पास आरएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे आपके पास siRNA बनता है जो जाके साइलेंस करता है, तो इंट्रोड्यूस क्या करी जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसलिए आंसर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स, इसमें कुछ नहीं सोचना है, हमेशा पढ़ते हैं मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक में कंडीशन क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करता है तो चार मेगास्पोर्स बनते हैं जिसमें से तीन मर जाते हैं, तो आपके पास अरेंजमेंट ये डेवलपमेंट कैसी है, मोनोस्पोरिक। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेलियन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के सेलियन फीचर्स बताने हैं, करेक्ट सही वाले बताने हैं। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, यस। नॉन ओवरलैपिंग, यस। नॉन एम्बिगुअस, ये नई एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, यस। तो पहला सही, यूनिवर्सल, यस, नॉन एम्बिगुअस सही, ओवरलैपिंग नहीं, गलत है, डीजेनरेट, ओवरलैपिंग नो, कॉमालेस ये सही है, यूनिवर्सल, एम्बिगुअस, इट इज़ नॉन एम्बिगुअस, डीजेनरेट, तो मतलब आंसर वन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज के लिए हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट अपने को पता है, ईकोलाई को इन्फेक्ट करवाया था, फिर एनालाइज किया था, आप रेडियो एक्टिव सल्फर लेते हैं एक बार, रेडियो एक्टिव फॉस्फरस लेते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट आपको टोटल आता ही है, इतना क्लियर। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज वन, भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ द बेसिक, ये पूरा का पूरा बना के दिखा रखा है कि आरएनए पॉलीमरेज वन, पॉलीमरेज टू एंड पॉलीमरेज थ्री क्या क्या करता है। पॉलीमरेज वन आरआरएनए 28S, 18S, 5.8S को बनाएगा, टू hnRNA हेट्रोजीनियस को, और थ्री बनाएगा tRNA, 5S एंड snRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये तो किसी भी हालात में रटा होना चाहिए, ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे जितना मर्जी दिमाग लगा लो आंसर तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम्हें कंटेंट नहीं आता, तो ये रटे हुए हालत में एकदम रटा हुआ होना चाहिए टिप्स पे। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द इफेक्टेड कंडीशन हैज़ थ्री सेक्स क्रोमोसोम्स XXY, डबल एक्स एंड वाई, तो आपके पास XXY कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 44 की जगह 47 है और डबल एक्स वाई है, तो प्रिडोमिनेंटली दिस शुड बी अ फीमेल विद अ मेल टाइप सिस्टम, तो आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नहीं इट शुड बी अ मेल, क्योंकि एक्स वाई कंडीशन है ना बेटा, इट शुड बी अ मेल विद एक्स्ट्रा एक्स जो इसको फीमेल फीचर्स देती है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। अगर एक्स ओ कंडीशन होती तो ये बन जाता आपके पास टर्नर सिंड्रोम, ठीक। नेक्स्ट देखो, What initiation and termination factors are involved in transcription in eukaryotes? Initiation and termination के लिए sigma and rho, done. Which of the following statement is correct about origin and evolution of men? अगर आपसे सही statement पूछा है, इसने कहा correct. Neanderthal men lived in Asia between 1 lakh to 40,000, सही. Agriculture came around 10,000 years back. Dryopithecus and Ramapithecus primates existing 15 million walked like men, no, they walked, can, could not, upright नहीं चलते थे, ये चारों हाथ पैर पर चलते थे। Homo habilis ने कभी मीट नहीं खाया बेटा।
The production of gametes by the parents, the formation of zygotes, the F1, F2 plants can be understood. सीधी सी बात, गैमेट्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, RRYY, इनसे गैमेट्स की प्रोडक्शन हो रही है. तो ये सब हम कैसे सीखते हैं, पनेट स्क्वायर बना के सीखते हैं. डायरेक्ट आंसर है. इन हैच एंड स्लैक पाथवे, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. हैच एंड स्लैक पाथवे क्या होता है, C4 साइकिल. जब C4 साइकिल की बात करते हो तो आपके पास फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, हमारे पास प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है. क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ये वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट. अब देखो, कुछ क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे डायरेक्ट कंटेंट बेस्ड है. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स. यस, टी लीव्स को बनाते हैं तो हमें उसके अंदर ना लीव्स, जो बाकी साइड वाली लीव्स है ना, हमें बहुत ज़्यादा चाहिए. सीधी सी बात, अगर आपको टी प्लांटेशन में जाओगे और टी की निकालोगे तो मतलब टी की पत्तियाँ चाहिए ना आपको, टी लीव्स चाहिए. और लीव्स लेटरल ब्रांचेस में उतनी ज़्यादा आएंगी जब एपिकल डोमिनेंस का केस कम होगा. तो जो आपके पास शूट टिप होती है उसको तोड़ देते हैं, उससे एपिकल डोमिनेंस कम हो जाता है. एपिकल डोमिनेंस कम हो जाता है तो आपके पास लेटरल बड्स एंड लेटरल जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं. ऑप्शन नंबर 4 देखो, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज़ रिमूव्ड. ऑक्सिन गया तो एपिकल डोमिनेंस गई, एंड इससे लेटरल बड की जो ग्रोथ होती है वो एनहांस हो जाती है. वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू प्रिज्म. ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन द रीजन ऑफ. क्लैडोफोरा हमारी एक एल्गा है, और क्लैडोफोरा को लिया इस तरीके से, यहाँ पे क्लैडोफोरा को डाल दिया, इसको हम बनाते लिया, क्लैडोफोरा को इस तरीके से डाल दिया और पानी यहाँ रख दिया, ऊपर से बैक्टीरिया को छोड़ दिया. एंजेलमैन ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया, एंजेलमैन ने पूरी की पूरी कहानी में ऐसे लिया और ऊपर से प्रिज्म लिया और वाइट लाइट को डाला. लाइट अपने अलग अलग विब गायर कॉम्पोनेंट्स में आ गया. तो विब गायर जब कॉम्पोनेंट्स आपके पास आया तो हमें मालूम है कि जो ये वायलेट इंडिगो ब्लू एंड रेडिश रीजन होता है, इसी रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा भी आता है. और एक्शन का जो आपके पास, अगर हम देखते ना, हमने फोटोसिंथेसिस में जो ग्राफ देखे थे, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा भी और एक्शन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी यहीं पर होता है. तो इसलिए हम टर्म करते हैं कि इस रीजन के अंदर, इस रीजन में ब्लू एंड रेड रीजन्स के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रखेगा. इस रीजन में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके रिस्पॉन्स में क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा. एजोटोबैक्टर ब्लू एंड रेड रीजन के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए एजोटोबैक्टर एक्यूमुलेट इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन शुड बी स्प्रेड. शुगर केन को देखोगे तो शुगर केन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पर नोड्स बने हुए हैं. अगर शुगर केन की ग्रोथ को आपको बढ़ाना है तो हम सिंपल कह देंगे कि इंटरनोड की इलोंगेशन करवा दो. किसका? इंटरनोड का. और इंटरनोड का इलोंगेशन यानी बोल्टिंग करवा दो, और बोल्टिंग के लिए भैया एक ही हार्मोन चलता है, वो है हमारा गब्बू भाई, जिब्रेलिन. ठीक. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसनेरिया. वेलिसनेरिया में याद है ना, एक बोट शेप आपके पास स्टेमन होता है, वो पानी के सरफेस पे आ जाता है, वो पानी में किसको ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते वो पहुंचता है फीमेल के पास और वहां जाके पॉलिनेशन कर देता है. तो हम सीधी सी बात कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे हो रही है, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स, क्योंकि पानी में ऊपर ऊपर बोट की तरह तैर रहा होता है, और फीमेल फ्लावर्स जो सरफेस पे आ चुके होते हैं उनके साथ जाके कर लेते हैं. यहाँ पे इस पॉलिनेशन के लिए स्पेसिफिक आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया था और इसका डायग्राम NCERT में भी दे रखा है, इस पर ज़रा फोकस कीजिए. ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है. पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन. नो, पानी के सरफेस पे होती है. फ्लावर्स इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट. नो. फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर एंड पॉलन इज कैरिड बाय विंड. नो, नथिंग. पॉलन कभी विंड से कैरी नहीं होता. यहाँ पे अगर पॉलन की जगह यहाँ पे स्टेमन हो जाता ना, हम तब भी मान लेते, लेकिन पॉलन दिया हुआ, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी इज प्रिवेंटेड. सिंपल सी, कोई एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल दो अलग अलग उसमें होंगे तो ऑटोगैमी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, गिटोनोगैमी भी नहीं होगा. अगर मेल एंड फीमेल प्लांट अलग होंगे तो अगर आपके पास डायोशियस, आपको डायोशियस प्लांट देखना है तो पपाया, पपीता और पपीती होता है, उस हिसाब से आंसर बनता है 3. मैच दी प्लेसेंटल टाइप्स विद देयर एग्जांपल्स. बेसल, एग्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंटर, इनके एग्जांपल्स दिए हुए.
इनके लिए बेटा मैं आप लोगों को ग्रुप पे एक लिंक पोस्ट कर दूंगा। जितने भी अपने पास ये मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स हैं, अगर रटने को आपको कोई, आई जस्ट पोस्ट अ लिंक, आप वो वीडियोस देखिएगा, वहाँ से आपके सब क्लियर हो जाएंगे। रटने वाला क्वेश्चन है, सिंपल। मैच द फॉलोइंग। गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं गोल्जी अपरेटस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं। ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नो। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यस। हमने पढ़ा ना साइलेशन साइडेशन, तो ये काम यहाँ हो रहा है, तो एक आंसर होना चाहिए 3। ये गलत, ये गलत, यानी हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। लाइसोसोम क्या करते हैं? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, शुरू से देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं। ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वी आर नॉट श्योर बट सोचते हैं। फॉर्मेशन थर्ड, नहीं। डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, यस सही। वैक्यूल्स ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टोटली सही। तो आपके पास बी का आंसर होना चाहिए 4। बी का आंसर 4 इसमें है, तो ये अपने पास आंसर नंबर 2, इधर आंसर निकल आता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम्स। भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के जब लास्ट वाले पेपर में भी तुम्हें बताया था, देखो 2019 के दोनों पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर बार इससे क्वेश्चन इंप्रूव हो सकते हैं। लास्ट वाले पेपर में मेटल आयंस को लेकर क्वेश्चन आया था, इस बार प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को लेकर। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, कोएंजाइम्स लूजली बाउंड होते हैं, समझ गए? इन दोनों के प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो दे कैन सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये दोनों सही हैं, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस निकालना है। देयर रिक्वायर मेटल आयंस, नो। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड, यस। देयर एसोसिएशन विद एंजाइम्स, ऐसा नहीं। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर टाइटली बाउंड होते हैं तो ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरी नहीं होते, परमानेंटली लगे रहते हैं। हटाया जा सकता है बट ये परमानेंटली लगे रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज। क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर होने चाहिए, और स्टेज के नाम पे क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हो तो पैकाइटीन होना चाहिए। सो सीधी सी बात, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होने चाहिए और पैकाइटीन स्टेज होने चाहिए, डायरेक्ट आंसर। ये एक क्वेश्चन है जो सिलेबस से बाहर का था, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग अभी समझ लेंगे। समझ तो क्या ही लेंगे, बेसिकली ये एक ऐसी थ्योरी है जो आपको मास्टर्स में पढ़ाई जाती है, रामचंद्रन प्लॉट। ये प्रोटीन के, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर, कौन सा वाला स्ट्रक्चर, टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इसको प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। ये कंप्यूटर के अंदर रामचंद्रन प्लॉट्स बनाए जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आंसर डन। बस यही क्वेश्चन था जो बाहर से आ सकता था, बाकी सब क्वेश्चन अंदर से, मतलब बच्चा अगर चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ दे, 360 में से 356 तो स्कोर निकाल ही सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो फीचर नहीं है, निकालना नहीं है। इट रिक्वायर्स एटीपी, यस इट इज़ अ फीचर। इट अकर्स अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यस। इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, और प्रोटीन्स की एक्टिविटी हमेशा कैसी होती है, सेलेक्टिव। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट नहीं, तो आंसर निकल गया। नाइट्रेट इन सॉइल टू नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन करना है, थायोबैसिलस। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक है तो बाहर से पानी अंदर आएगा, यानी एंडोसमोसिस होगी, द वाटर विल फ्लो इन टू द सेल। फोर्थ, वेयर इज़ दी रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में ETS कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, नहीं। आउटर मेम्ब्रेन, नो। इनर मेम्ब्रेन, यस। ETS मेम्ब्रेन के अंदर चलता है सब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ, अंदर वाले मेम्ब्रेन में। NCERT का क्लियर कट डायग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, नो। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, यस। ये स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। एवरी स्पीशीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यस। साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड शुड बी आइटलाइज्ड, यस। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर 1। मैड काउ डिसीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय प्रायोन्स करते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, आंसर 3। एक एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही, करेक्ट की जगह हमेशा याद रखो कि करेक्ट है इनकरेक्ट लिखा है उसकी हिंदी में बोलो और हिंदी में लिख डालो। लाइकन्स आर नॉट अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, नो। दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। आपको याद होना चाहिए जब हमने वेस्टर्न बैटल एरिया का इंडस्ट्रियल मेलनिज्म का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था इवोल्यूशन में, तो हम रियलाइज़ किया था लाइकन्स, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, लाइकन्स ने पेड़ की बार्क को छोड़ दिया था, तो दे आर अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर।
लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया, ये स्टेटमेंट सही है। एल्गल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड माइकोबायोंट, नो बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फाइकोबायोंट कहते हैं, फंगल कॉम्पोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। हमें सही आंसर निकालना था ऑप्शन नंबर टू। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम वन विद हैबिटेट्स इन कॉलम टू। हेलो फाइल्स, हेलो मीन्स सॉल्ट, तो सॉल्ट से प्यार करने वाले सॉल्ट एरिया, एक आंसर बना फोर, एक आंसर इधर फोर किसी में नहीं है, डायरेक्ट आंसर सॉल्ट, हमें बाकी खोलने की ज़रूरत भी नहीं। इन डाइकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम, बेटा रूट है और रूट के अंदर वस्कुलर कैम्बियम के लिए हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कौन बनाता है, कंजक्टिव टिश्यू प्लस पेरिसाइकिल। मैं सबको रिकमेंड करूँगा आप YouTube पे जाके एनाटॉमी की लास्ट थ्री वीडियोस देखेंगे, एनाटॉमी के लेक्चर्स की आप जाके अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ को मैंने समझा रखा है। आप दोबारा उन लेक्चर वीडियोस को देखिए, आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिमाग में बैठ जाएगा। अगर वस्कुलर कैम्बियम कंजक्टिव टिश्यू पेरिसाइकिल से आ रहा है तो ये क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर नो, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोइंग बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यही है ना, टिश्यू लोकेटेड बिलो फ्लोइंग बंडल्स वो कंजक्टिव टिश्यू होता है, पेरिसाइकिल ये लिखा हुआ है, आंसर नंबर टू। कॉर्टिकल रीजन नहीं, पैरेन्काइमा बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल नो, आंसर नंबर टू हम यहाँ से निकाल चुके हैं क्योंकि टिश्यू जो फ्लोइंग बंडल्स के नीचे होता है वो कंजक्टिव टिश्यू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वोल्ड फाइलोटैक्सी एल्स्टोनिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग, अगर गाय भैंस ने घास चर ली, अगर घास चर ली तो उसके बाद अगर रीजनरेशन होगी तो रीजनरेशन इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से है क्योंकि खाते वक्त तो वो एपिकल को तो निपटा लेते हैं, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, तो पहले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। एपिकल मेरिस्टेम तो वो चर गए तो बचा हुआ इंटरकैलरी, यही बचाएगा भाई। बाईकार्पिलरी ओवरी है विद ऑब्लीकली प्लेस सेप्टम, बाईकार्पिलरी ओवरी ऑब्लीकली प्लेस सेप्टम, याद करो कहाँ था ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम हमें दिया हुआ था इन दी सोलनेसी, तो सोलनेसी में अगर ये डायग्राम है तो सोलैनम आंसर बनता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट, गलत रिगार्डिंग इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग, यस इट कैन बी, आउटक्रॉसिंग से ही तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हटता है। इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ डिलीटोरियस एलील्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन, यस अगर हम इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टेंट ब्रीडिंग की वजह से जो आपके पास ऐसे जीन्स एक ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो जीन्स नुकसानदायक होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को, उन एनिमल्स को आप मेटिंग यानी ब्रीडिंग मत करवाने दो, तो उससे क्या होगा, ख़राब वाले जीन्स बाहर निकल जाएंगे और सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इन ब्रीडिंग इज़ नेसेसरी टू इवॉल्व अ प्योर लाइन, ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही। कॉन्टीन्यूस इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी, यस यही तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, आंसर बन गया वन। नेक्स्ट, बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, अगर बायो कंट्रोल एजेंट है जिसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का अगर हिस्सा बना रहे हैं तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इट शुड बी स्पेसिफिक स्पेसिफिक, यस। इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, यस, समझो कि अगर आपने एक ऑर्गेनिज्म, एक पैथोजन को मारने के लिए आपने कोई बायो कंट्रोल एजेंट डाल दिया और वो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर देगा, अफेक्ट कर देगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इट शुड बी इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट, पहला वाला स्टेटमेंट सही। इट शुड बी स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक, अरे नहीं भाई सिम्बायोटिक हो तो कैसे काम चलेगा। इट शुड बी फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए, नैरो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक नहीं होना चाहिए था, आंसर अपने पास वन। मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शंस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस है तो जॉइंट्स डीएनए फ्रेगमेंट नहीं, एक्सटेंड्स प्राइमर्स नो, कट्स डीएनए इन स्पेसिफिक पोजिशन सही, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो इसमें फोर्थ ऑप्शन में लिखा फ्रॉम द एंड्स, तो एंड्स तो नहीं हो सकता ना, एक आंसर बनेगा थ्री, एक आंसर थ्री इन दोनों में दिया हुआ है, इसको काट दो, इसको काट दो। अब इसमें बी ऑप्शन डिफर कर रहा है तो बी ऑप्शन से कंपेयर कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस तो हमेशा एंड से निकालते हैं, तो बी का आंसर होना चाहिए फोर, आंसर नंबर थ्री। शॉर्टकट, टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन वेक्टर पीबीआर 322, हमेशा एनसीईआरटी में 500 बार पढ़ा है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, आंसर नंबर टू।
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, बिना परमिशन लिए किसी कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना बायो पायरेसी होता है. क्लियर? इसमें बायोवार क्या होता है, बायो वेपन क्या होता है, बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर लड़ाई बायोवार, बायो वेपन्स तो मैं समझा दिया. बायोएथिक्स यानी वो रूल्स एंड प्रोसीजर जिनको यूज़ करना चाहिए इन डीलिंग विद बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. कार्निवोरस एनिमल्स, लायंस एंड लेपर्ड्स, वेरी गुड क्वेश्चन. कार्निवोरस एनिमल है लायन एंड लेपर्ड, ऑक्यूपाई द सेम निश. यस, आपके पास टर्शरी प्रेडेटर है, टर्शरी लेवल पे आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, बट लायंस प्रेडेट ऑन मोस्टली लार्ज एनिमल्स एंड लेपर्ड्स टेक स्मॉलर वंस. यानी दो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों के दोनों फूड चेन में टॉप मोस्ट एरिया पे आते हैं, लेकिन अब लायन एंड लेपर्ड कभी खाने के लिए लड़ते हुए नहीं मिलते. देखो, लायन एंड लेपर्ड को पता था कि हम लोगों को खाना खाना है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारना है. अब लायन ने कहा कि मैं बड़े बड़े जानवरों को मारूंगा, लेपर्ड ने कहा मैं छोटे छोटे जानवरों को मारूंगा. रिसोर्सेज जानवर है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज लायन के हिस्से और कुछ रिसोर्सेज लेपर्ड के हिस्से. यानी कंडीशन क्या हुआ, रिसोर्स पार्टीशनिंग. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. नेक्स्ट, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरियस गैरिपिनस इन रिवर यमुना, कैन वी कैटेगराइज दिस? क्लियर? आपके पास बाहर की एग्जॉटिक स्पीशीज आ चुकी है, तो इसकी वजह से एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो गया. आपके पास एक नेचुरल प्रीडेटर इसका है नहीं, तो आके तहलका तो मचाएगा ये. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज़ेस विद देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट्स. अभी अभी थोड़ी देर पहले बेटा ये क्वेश्चन बताया था कि कौन सा पॉलीमरेज़ क्या क्या बनाता है. तो अभी आपके पास ये क्वेश्चन आराम से, फोर ऑप्शन, ए का टू, ए अपने पास टू आरएनए पॉलीमरेज़, वन आरआरएनए, बी का थ्री, बी इज एचएनआरएनए एंड थ्री इज बनाता है टीआरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिज बिटवीन मेल विद अ ब्लड ग्रुप ए एंड अ फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजनी हैड ईदर ए बी और बी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप? प्रोजनी कैसे थे, बच्चे कैसे थे, ए बी या सिर्फ और सिर्फ बी? तो बेटा, अगर फादर आई ओ आई बी था, मदर थी, नहीं अगर आप इस पे सोचो, मदर थी आई ए आई ओ, फादर था आई बी आई बी, तो प्रोजनी कैसे बन सकता है? ए बी, ए बी, बी एंड बी, तो प्रोजनी ए बी एंड बी थी. तो अब अपने पास, अब कंडीशन के अंदर ये वाला मैरिज विद ब्लड ग्रुप, मेल का ब्लड ग्रुप ए था, तो जो सॉरी दिस शुड बी फादर, दिस शुड बी मदर. तो मेल जो होना चाहिए वो आई ए आई ओ होना चाहिए एंड फीमेल होनी चाहिए आई बी आई बी, आई बी आई बी. तो आंसर नंबर टू डायरेक्ट. अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज इन्वेड्स अ न्यू एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू अडैप्टिव रेडिएशन? अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक पॉपुलेशन एक नए एरिया में घुस जाती है और वहाँ जाके वो अडैप्टिव रेडिएशन करना चाहती है, जैसे मार्सुपियल्स ने किया था ऑस्ट्रेलिया में. तो कैसे होगा? एरिया, उस एरिया की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एरिया विद मेनी हैबिटेट्स ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज. अगर एक नई पॉपुलेशन, एक न्यू पॉपुलेशन किसी एक एरिया में चल जा रही है और एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे इनको इंटेंस कॉम्पिटिशन मिलेगा, कभी ये अडैप्टिव रेडिएशन नहीं कर पाएंगे. एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई. अगर इस नए एरिया में गए, इसमें फूड सप्लाई बेटा अगर बहुत कम है ना, तो खाना अगर बहुत कम है तो ऑर्गेनिज्म कभी डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसी खाने को ऑप्टेन करने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन होने लगेगा. कॉम्पिटिशन होने की वजह से कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा, इन्फीरियर वाली स्पीशीज मर जाएंगी, तो अडैप्टिव रेडिएशन नहीं हो पाएगा. ऑप्शन नंबर वन भी नहीं, ऑप्शन नंबर टू भी नहीं. एरिया विद अ सिंगल टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट. अगर आप देखो, इस एरिया में ये हैबिटेट वेकेंट है और बाकी सब हैबिटेट भरे हुए हैं, तो जो नई स्पीशीज आएगी वो यहाँ पहुँच जाएगी. अगर एक ही वेकेंट हैबिटेट है तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी सेम टाइप की होंगी और कम होंगी, रिसोर्सेज का नंबर भी कम, रिसोर्सेज का टाइप भी कम, तो आपके पास अडैप्टिव रेडिएशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म फ्री नहीं है टू मूव टू डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली. सेम एक ही टाइप की हैबिटेट है, तो आंसर नंबर थ्री भी नहीं हो सकता. एरिया विद मैनी टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट्स. यस, अगर ये कंडीशन है और बहुत सारी हैबिटेट्स खाली हैं, तो अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स हैं, न्यू स्पीशीज आई, तो
तो कुछ मेंबर कहेंगे हम यहाँ चल जाते हैं, कुछ मेंबर यहाँ, कुछ मेंबर यहाँ, कुछ मेंबर यहाँ चल जाएंगे, अलग अलग एरिया में जाके अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर जाएंगे और काम चल जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या बनता है आपके पास, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सिंपल है भाई, इसके अंदर एक ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास जो ये वाला हार्मोन है, ये स्टेरॉयड हार्मोन तो नहीं हो सकता, स्टेरॉयड होता तो डायरेक्ट अंदर आ जाता, तो हार्मोन कैसा होना चाहिए, प्रोटीन हार्मोन होना चाहिए। तो ये हो सकता था सेकेंड ऑप्शन, नहीं थर्ड हो सकता था, फोर्थ नहीं। बी ऑप्शन अपने पास इज द रिसेप्टर, बी ऑप्शन रिसेप्टर होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास ये बन रहा है, सी बन रहा है, ये साइक्लिक एएमपी होना चाहिए था, सेकेंडरी मैसेंजर। तो बी इज द रिसेप्टर जिससे तो बाइंड करेगा, तो बी अपने पास रिसेप्टर यहाँ मिल रहा है, ये वाला नहीं, तो आंसर नंबर 3। यहाँ तक देखो, नेक्स्ट, ह्यूमंस हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, स्टिल इननेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखो यार, ह्यूमंस के पास एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है तो ये बात समझ आती है। तो ये इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली तब हेल्प करता है जब इसने अपने अंदर स्पेसिफिसिटी डेवलप कर ली हो अगेंस्ट अ पैथोजन। तो जब तक किसी पैथोजन के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, तो हमें कोई तो पार्ट चाहिए ना जो हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है कि ये इननेट इम्यून सिस्टम बर्थ के दौरान क्यों चाहिए, क्या ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नहीं। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इननेट, नो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इननेट प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स, नहीं। इसके पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, येस। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखो, एंड कैन फेगोसिटाइज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, टोटली स्टेटमेंट सही, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ते वक्त बेटा अगर आप स्लोली पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एक अंडरलाइन कंसेप्ट पूछता है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 95% केसेस में हमें ना आंसर अपने आप सूझ जाता है, और फिर ऑप्शंस को पढ़ के हमें अपनी श्योरिटी करनी होती है कि जो हमने सोचा है वही ऑप्शन में हमें मिल गया, तो आंसर टिक कर दो। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस के नाम पे सबसे ज़्यादा गैमिट, सबसे पहले गैमिट बनेगा, फिर उसके बाद गैमिट का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगी, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा और टिश्यू और ऑर्गन बन जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये लाइन सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन एंड फीटल इजेक्शन। फीटस का अगर इजेक्शन यूटरस से होना है तो यूटराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और यूटराइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से शुरू हुआ, फुली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से ये इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है। ब्रेन में पिट्यूटरी को कहता है कि आप रिलीज करो ऑक्सीटोसिन, डन। अब मिल्क का बेटा इजेक्शन है, फॉर्मेशन नहीं। अगर मिल्क फॉर्मेशन मैमरी ग्लैंड्स में होगी तो वो प्रोलैक्टिन के अंडर होगी, पर अगर मिल्क का रिलीज होगा, इजेक्शन होगी, तो वो भी ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में अंडर होती है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि गाय भैंस को दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का दिया जाता है, ताकि उसकी ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क का इजेक्शन हो। अडर्स के अंदर मिल्क प्रेजेंट है लेकिन निकलता नहीं, ये गाय भैंस के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने से मिल्क का रिलीज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। क्वेश्चन पे ना यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात ये है, इसने यहाँ पे नो लिख दिया है, यानी नए फॉलिकल्स अपने पास बन नहीं रहे, और ये वाली बात अक्सर बच्चे मिस कर गए जब इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। कहते कि नए फॉलिकल्स ल्यूटियल फेज़ के दौरान बन नहीं रहे। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा तो सबसे पहले फॉलिकुलर फेज़, ओविलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज़। तो ल्यूटियल फेज़ में फॉलिकल्स क्यों नहीं बनते, जैसे ही जब ओविलेशन होती है तो ओविलेशन के दौरान एलएच सर्ज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, तो उसके बाद FSH और LH फॉल कर जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो होते हैं वो हाई चले जाते हैं। FSH और अगर LH कम हो गए तो FSH का फुल फॉर्म देखो, FSH इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इसका लेवल लो होगा तो जाहिर सी बात है नए फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, और नए फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो बोथ FSH एंड LH लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज, आंसर नंबर 1, टोटली डन। नेक्स्ट, इन ऑस्ट्रेलिया marsupials and placental mammals
हैव इवॉल्व टू शेयर मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी अगर आप मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स को देख रहे हो तो इन लोगों ने सेम टाइप के फीचर्स अपने पास इवॉल्व किए हैं. सीधी सी बात, तो दिस टाइप की इवोल्यूशन, तो देखो बेटा, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स, सोर्स वन सोर्स टू, इन्होंने सेम टाइम के फीचर्स अपने पास ले आए हैं. तो क्या हुआ, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ ना, इसीलिए ऐसा चलता है. नेक्स्ट, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद द आइटम्स इन कॉलम टू. ये अपने को मैच करना. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहला एक्स एक्स एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ये अपने पास किसके अंदर मिलेगा, ये अपने पास ग्रासहॉपर के पास मिलता है. थ्री, अगर देखते हैं थ्री थ्री थ्री, नहीं तीनों गया, आंसर डायरेक्ट फोर. बाकी अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इस तरीके से चलेगा. अगर आपको बेटा ये याद नहीं है तो आप इसकी बाकी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे ZWZZ मेथड. तो ZWZZ मेथड के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक कंडीशन मिलती है. यस, आपके पास फीमेल हेट्रोगेमेटिक कंडीशन, फॉलो कर पा रहे हो, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है. ईजी हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को पढ़ के रियलाइज़ होता है कि यार ये पेपर ना इतना मुश्किल आने भी नहीं वाला है, और सेम तरीके से बेटा इस बार का पेपर होगा. अपने ऊपर सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, पेपर विल बी रियली ईजी. पेपर एग्जैक्टली ऐसा होगा जैसे ये वाला पेपर है. पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाके सिर्फ टेंशन होती है, और टेंशन के अंदर अगर आ जाते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं ना, ऐसे बेकार बेकार क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते. अब इस क्वेश्चन की अप्रोच देखते हैं, हम 108 में कर क्या रहे हैं. व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ DNA. DNA में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड दिया है. तो अगर mRNA बनेगा तो जाहिर सी बात है टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है. लेकिन mRNA जब बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से बनेगा ना, तो mRNA का जो आपके पास कोडिंग होगी वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसी होगी, इसलिए तो कोडिंग स्ट्रैंड का नाम कोडिंग दिया था. लेकिन जब DNA और RNA को देखते हैं तो वहाँ पे थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल. तो mRNA एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, और जहाँ पे भी टी है वहाँ पे यू आ जाए. तो टी ये नहीं हो सकता, टी ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, सीधी सी बात. अब अपने को ये वाला अरेंजमेंट देखना है. यू मिलेगा, ए मिलेगा, सी जी यू, ए सी जी यू, उसके साथ कंपेयर करते रहो, टोटल आपके पास बनता रहेगा. ऑल्सो बेटा इसके अगेंस्ट बनेगा ना, तो अगर इधर 3-5 है तो mRNA 5-3 बनेगा, तो mRNA 5-3 होना चाहिए. बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये प्रॉब्लम गौर पे गौर नहीं किया, यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिए भैया. mRNA 5-3 बन रहा है ना, इस डायरेक्शन में बनना चाहिए 5-3, ये हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. यानी अपने को क्या पता लगाना है यहाँ पे, गलत बताना. इन अ नी जर्क रिफ्लेक्स स्टिमुलस इज स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड इन रिस्पॉन्स इट. एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी गलत है. इन द नी जर्क रिफ्लेक्स स्टिमुलस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड रिस्पॉन्स इज द कॉन्ट्रैक्शन. क्या ये आपके पास सही है, कह सकते हैं. सेकेंड, मतलब वी आर नॉट श्योर, तो डॉट लगा दो इसके. An action potential in the axon does not move backward because the segment behind is in refractory phase. 100% right. Depolarization of hair cells of cochlea results in opening of mechanically gated potassium channels. Beta, ये वाला statement भी आपके पास ये गलत होना चाहिए, क्योंकि mechanical gated है, ये voltage gated होते हैं. नहीं नहीं नहीं, अगर आप बात करते हो कान के अंदर तो ये मैकेनिकल गेटेड होते हैं, ये सही स्टेटमेंट सही है. फोर्थ ऑप्शन, रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डेलाइट विजन. नहीं, डेलाइट विजन में कौन चीज़ मदद करती है, स्कोन्स. देखो ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते वक्त हमारे सामने ना एक प्रॉब्लम आ रही थी. क्वेश्चन भी मैं आप ही के साथ पहली बार पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ना कुछ पॉइंट समझ आएंगे. कि पहला पॉइंट पढ़ा, वी आर नॉट श्योर, डॉट लगा दिया, ये सही है. यहाँ पर मैकेनिकल गेटेड हमने तो जब पढ़ा था डीपोलराइजेशन के दौरान, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं. ये वाला स्टेटमेंट के बारे में, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए, वी आर नॉट श्योर, सीधी सी बात. जब इस तरीके से श्योर नहीं होता ना, डॉट लगा लेते हैं. और डॉट लगाने के बाद आप पूरे के पूरे ऑप्शन को पढ़िए. रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन. नहीं, कॉन्स करते हैं ना,
तो हमें फोर्थ ऑप्शन हमारे पास पक्का पता कि गलत है, तो हमने इसको टिक कर दिया। यानी अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मुझे पता लग गया। इस केस के अंदर हमें यहाँ से कुछ पॉइंट पता लगा, कॉकलिया के अंदर आपके पास पहले मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स खुलते हैं, ये इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोविजन चलता है। दो दीज एरियाज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दैट्स वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन देम, विल बी फोकसिंग ऑन ओनली ऑफ द थिंग्स दैट वी नो। सी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ अपनी एनसीईआरटी और अपने नोट्स वाली नॉलेज सीखी है जो हमने अपने पूरे सिलेबस में पढ़ा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और 2019 का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो रहा है। मैच दी फॉलोइंग जॉइंट्स विद दी बोन्स इन्वॉल्व, मुझे नहीं लगता बेटा इसमें कुछ सोचने या समझने वाला है, ये तो डायरेक्ट अपने को आता है। इसके अंदर आप आंसर देख सकते हो, आंसर टू है, ए का थ्री, ए इज थ्री बिटवीन दी कार्पल्स, बी का फोर होना चाहिए, हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे हिंज जॉइंट होता है। याद रखना एक चीज़ यहाँ पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब एल्बो जॉइंट देखते हैं तो ह्यूमरस एंड अल्ना मिलता है, और जब रिस्ट देखते हैं तो वहाँ पे आर से रिस्ट एंड आर से रेडियस, रिस्ट बोन्स के साथ रेडियस जॉइंट होती है, याद रखना। कार्पल्स के साथ अपने पास रेडियस जॉइंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान में होना चाहिए। बाकी सैडल जॉइंट अपने पास थंब के साथ अरेंज होता है, पाइवट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, ये तो बेटा सब कुछ आपको आता ही है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन दी, यहाँ पे कह रहा है कार्पल्स, कार्पल्स आप समझते हो रिस्ट की जितनी भी बोन्स हैं उनके बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, गाउट नहीं, अर्थराइटिस नहीं, मायस्थीनिया ग्रेविस यस। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, मायस्थीनिया ग्रेविस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बॉडी अपने अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, आर्टिफिशियल लाइट, एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस्ड स्लीप टाइम। अगर आर्टिफिशियल लाइट दिन भर फ़ोन पे लगे रहोगे तो उससे नुकसान क्या होगा, हमारे ब्रेन में जो पिनियल ग्लैंड होता है वो मेलाटोनिन नहीं बना पाता है, उसकी वजह से पिनियल ग्लैंड की एक्टिविटी ख़राब हो जाती है। क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट रहेगी, रात को सोओगे, सोने के टाइम आप क्या चलोगे, रात को तो अंधेरा होता है, फ़ोन की लाइट जलाते रहोगे तो लाइट आंखों में पड़ती रहेगी, तो आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर होता रहेगा, तो आर्टिफिशियल लाइट के एक्सपोजर से नुकसान होता है, मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपका सोने का टाइम ख़राब, स्लीप वेक साइकिल ख़राब होती है, पिनियल ग्लैंड की एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, हिसाब आप लगा ही सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन। बेटा हमने पैराथायरॉयड हार्मोन से वर्ड पढ़ा था, पैरट, और पैरट हवा में उड़ता है, फ्लाई करता है, फ्लाई करना मतलब ऊंचा जाना, ऊपर जाना, और कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ऊपर जाएगा, यानी अबव जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा तो कैल्शियम का लेवल ऊपर जाएगा। तो कैल्शियम का लेवल ऊपर क्यों करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल्स फॉल कर चुके हैं। तो उसने कहा किस कंडीशन में पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, तब निकलेगा जब कैल्शियम की कमी होगी, तभी तो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा ना, तो इसलिए आंसर बना आपके लिए थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नो, गैमेट तो नॉर्मल रिलीज होता है, इनफैक्ट अगर आपने आईयूडी लगा रखी है किसी इंडिविजुअल ने तो उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन भी नॉर्मल होता है। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, बिल्कुल भी नहीं, कुछ वक्त बाद आईयूडीज को रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी एक लाइफ स्पैन होता है 3 साल 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं। IUDs are generally inserted by the user herself, never, इसके लिए expert nurse और doctors को कहा जाता है वो करें, individual खुद से नहीं use कर सकता। IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus, definitely yes, ये इसका method of contraception होता है। Question number 115, which of the following sexually transmitted disease does not specifically affect reproductive organs? अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं करती, यहाँ देखो, क्लैमाइडी एसिस बेटा आपके पास सी ट्राइकोमैटिस कॉज करता है, ट्राइकोमैटिस ने कॉज किया तो बेसिकली यहाँ पे वेजाइना के अंदर स्वेलिंग होती है, तो इंटरकोर्स के दौरान दे कैन बी पेन्स, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो जेनाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है, एड्स नहीं करता स्पेसिफिकली, जेनाइटल वॉट्स ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस कॉज करता है, और जेनाइटल्स में छोटे छोटे जैसे ना दाने दाने से उभरे आ जाते हैं। सिफिलिस में ऐसे लगता है जेनाइटल्स पे घाव हो गए, सोर हो गए, सूजा एक मतलब घाव जैसा स्ट्रक्चर सा बन जाता है जेनाइटल हर्पीस।
नेक्स्ट एड्स एंड हेपेटाइटिस भी ऑब्वियसली इन दोनों के अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स इफेक्ट नहीं होते। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। एक्सपीरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, नहीं, एक्सपीरेशन तो पैसिव प्रोसेस है ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता तो इनहेलेशन होती है, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक्सपीरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, यस, जब चेस्ट की कैविटी एक्सपैंड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास सक्शन प्रेशर बनता है, यानी लंग्स के बीच में प्रेशर कम होता है और बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी तो सक्शन आएगा और हवा खींची खींची अंदर आ जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट इज राइट। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी, नो, आंसर थ्री आपके सामने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी उसने अगर सांस पूरा बाहर निकाल दिया, तो क्लास में सिखाया था ना पूरी सांस बाहर निकाल दो, तो सबसे पहले क्या लोगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद क्या लोगे, टाइडल वॉल्यूम, प्लस लोगे फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो ये होता है, नहीं आंसर। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो ये होता है, नहीं आंसर। टोटल लंग कैपेसिटी में तो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगी, तो आंसर आपके पास क्या बना, वाइटल कैपेसिटी। डन। क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने को क्या करना होता है, दिमागी तौर से शांत होना पड़ता है। ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, ओके, नोडल टिश्यूज यानी एसए नोड, एवी नोड और ये सब है ना, जिनके जितने क्वेश्चंस ये टिश्यूज हैं ऑटो एक्साइटेबल है, यानी अपने आप नए इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। व्हाई डज एसए नोड एक्ट एज अ नॉर्मल पेसमेकर, तो अगर ए वी नोड अपना इम्पल्स जनरेट कर सकता है, परकिंजी फाइबर्स अपना जनरेट कर सकते हैं, एसए नोड अपना जनरेट कर सकता है, तो सब लोगों ने मिलके क्यों सोचा कि जनरेशन का काम एसए नोड को दे दें। क्वेश्चन को समझ आया, व्हाई डज एसए नोड इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल पेसमेकर, क्वेश्चन समझ गए। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं। एसए नोड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, ये स्टेटमेंट सही, 72 बीट्स पर मिनट। एसए नोड हैज़ लोएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, स्टेटमेंट दूसरा गलत है। एसए नोड इज़ द ओनली कॉम्पोनेंट टू जनरेट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, नहीं, हमें मालूम है कि अगर किसी वक्त एसए नोड ख़राब हो जाए तो ए वी नोड अभी अपना काम कर सकता है, ए वी नोड भी जनरेट कर सकता है पोटेंशियल को। ओनली एसए नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू अदर कॉम्पोनेंट, नहीं, ए वी नोड भी एसए नोड का काम कर सकता है ना, जब अगर एसए नोड खराब हो गया, जाहिर सी बात आंसर क्या बनेगा, ए। क्वेश्चन 19, अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ तक अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है ए वी नोड की। तो इसने कहा स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू है जो राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है, यानी ए वी नोड की। इट क्लोज टू एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू द हार्ट एपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकती है। ये अगर हार्ट बनाया तो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ हार्ट का एपेक्स, तो ये वाला पोर्शन होता है एपेक्स, ठीक। यहाँ पे अपने पास ए वी नोड है, इधर ये है एस ए नोड, ये ए वी नोड। एस ए नोड से ए वी नोड में सिग्नल आया और ए वी नोड सिग्नल को नीचे भेजते हैं, ए वी नोड क्या करेगा, इस सिग्नल को यहाँ से नीचे भेजेगा। लेकिन एस ए नोड से जो सिग्नल आता है, ए वी नोड उस सिग्नल को ना थोड़ा सा स्लो कर देता है 0.1 सेकंड से, ये हमें क्वेश्चन बताता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो एस ए नोड ने अगर सिग्नल ए वी पे भेजा और ए वी ने साथ ही साथ एकदम नीचे भेज दिया ना, तो उससे पता फ़र्क क्या पड़ेगा बेटा, आपके पास ऑरिकल को, एट्रियम को ना कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पूरा टाइम मिलेगा ही नहीं, और एट्रियम के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ए वी नोड डिले करता है 0.1 सेकंड का, जिस 0.1 सेकंड में एट्रियल सिस्टोल हो जाता है। तो ये कहते हैं एट्रियल सिस्टोल से एट्रिया कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है, और ये हमारा बेनिफिट होता है, समझ पाए। ब्लड एओर्टा में एंटर कर रहा है ए वी नोड से, इसका कोई लेना देना नहीं। वेंट्रिकल्स टू एम्प्टी कम्प्लीटली ए वी नोड ऐसे, इसके लिए अभी कोई काम नहीं करता। ब्लड टू एंटर पल्मोनरी आर्टरीज, नो, आंसर एलिमिनेशन से भी आह्वान बनता है, और कंसेप्ट भी तुम्हें समझा दिया क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, नीचे जब जाता है तो पानी निकलता है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स ओनली, नहीं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली, ये हम कह सकते हैं ठीक है,
चारों पॉइंट को पढ़ते हैं श्योर करने के लिए बेस्ट आंसर। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन वाटर, नहीं, रीअब्जॉर्प्शन आयंस वाटर ऑर्गेनिक, आंसर ए का बनना चाहिए टू। तो ए का टू नहीं, नहीं ये आंसर थ्री बन गया, डायरेक्ट आंसर बना, ठीक है कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट अब देखते हैं, चलो मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट फिल्ट्रेशन स्लिट्स बना देना, तो एक आंसर बनना चाहिए फोर, तो अपन इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। बी को हम कंपेयर कर सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया बेटा आपके पास लो लेवल या लेस डेवलप्ड फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया एम्फियोक्सिस में मिलेगा, तो बी का आंसर बनना चाहिए थ्री, ठीक है तो आंसर बन गया फोर। देन रीनल कैलिकुला क्रिस्टलाइज ऑक्सलेट्स नेफ्रीडिया एनिलिडा में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पॉस्चर। क्रिस्टा एम्पिलरिस, यस, मैक्यूला, या बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कॉन्टाई होता है तो ये तो बैलेंस बनाने में मदद नहीं करता, ऑटोलिथ करता था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही लगता है अपने को। हेयर सेल्स, नहीं, सुनने में मदद करता है, ऑर्गन ऑफ कॉन्टाई नहीं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मैक्यूला, ये हो सकता था, बट दोनों आंसर हमें सही होने चाहिए था ना, तो क्रिस्टा एम्पिलरिस एंड मैक्यूला आंसर नंबर वन। सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सिक्रीटरी सेल्स। बट अगर कोई सेल सिक्रीटरी है तो सिक्रीटरी सेल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सिक्रीशन करने के लिए किसी भी सामान को सेल ने बाहर सिक्रीट करना है तो उस सामान को कवर करना पड़ेगा ना, उस सामान को आपको वेसिकल्स में डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, वेसिकल समझ रहे हो ना, आपको वो सामान किसके अंदर डालना पड़ेगा, अगर कोई भी सामान सिक्रीट कर रहे हो तो उसको एक मेम्ब्रेन बाउंड पाउचेज में डालना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स चाहिए जो पैकेजिंग का काम करता है। कुछ लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाला होगा, समझ आता है, लेकिन सिक्रीटरी के लिए इस आंसर के लिए बेस्ट आंसर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सिक्रीशन होना है। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, यानी न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला कोई स्ट्रक्चर जो नॉन मेम्ब्रेनस है, तो दिमाग में सीधा वर्ड आता है न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस। न्यूक्लियस में क्या बनता है भाई, आरआरएनए बनता है। डन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70 एस राइबोसोम ओनली। अगर ऑर्गेनिज्म में 70 एस राइबोसोम ओनली है तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्रोकैरियोट। तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, विद हिस्टोन प्रोटीन्स, नहीं, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं बनते। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नो, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, ये स्टेटमेंट सही है, नेकेड डीएनए का मतलब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, आंसर आपके पास बनेगा सी। डबल स्टैंडर्ड एनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर नहीं, क्योंकि इस फोर्थ पॉइंट में प्रोकैरियोट जब होते हैं तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती। नेक्स्ट, आफ्टर मियोसिस वन द रिजल्टेंट डॉटर्स हैव, मियोसिस वन के बाद रिजल्टेंट डॉटर्स के पास क्या है, फोर टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। नहीं बेटा, हैप्लॉइड गैमेट मियोसिस टू के बाद बनता है, और मियोसिस वन में मियोसिस टू के बाद बनने वाले हैप्लॉइड गैमेट से डबल होता है, फोर टाइम्स नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन पेरेंट सेल इन एस फेज, नेवर, एस फेज में तो डबल हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कम्पेयर टू हैप्लॉइड गैमेट, यह स्टेटमेंट सही है, अभी सबसे पहले यही बताया था ट्वाइस द अमाउंट होगा, और सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, यह भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बेटा गौर कीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए पे फोकस किया गया, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बात मतलब चलेगा, मतलब दिस इज गोइंग, अमाउंट ऑफ डीएनए पे फोकस किया तो कंटेंट की बात करी गई है, और कंटेंट की बात करी गई तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। विच नंबर ऑफ क्रोम, यहाँ पे इसलिए, हाँ ये बता रहा था, तो मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ होते तो बात अलग हो जाती बेटा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करी गई है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन। अरे भाई, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड होता है, सीधी सी बात, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड होता है, आंसर थ्री, डायरेक्ट क्वेश्चन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली देन पैसिव, ये स्टेटमेंट सही। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव, सही। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वेयर एज एक्टिव रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सॉल्यूट, ये भी स्टेटमेंट सही। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायोनिक कैरियर प्रोटीन्स, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें बेस्ट को मेन डिफरेंस पता लगाना है।
एक्टिव पैसिव में बेटा जब आप मेन डिफरेंस की बात करते हो तो सबसे पहले यही बोलोगे ना कि एक्टिव में एनर्जी यूज होती है, और क्यों होती है, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना है, यानी स्लो फास्ट सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं। एक्टिव क्यों करना है, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना है और इस मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो बेस्ट आंसर आपके पास बनेगा थर्ड। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट। रेनिन मिल्क प्रोटीन्स पे काम करता है, तो एक आंसर होना चाहिए बाई थ्री, तो पहले दो में से चूज करना है क्योंकि आखिरी के दो गलत हैं। एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, तो बी का आंसर बनना चाहिए फोर, बी का आंसर फोर। सी में हम देख चेक कर सकते हैं। ऑक्सेंटिक सेल्स सीधी सी बात क्या है, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं क्योंकि ये बनाते हैं कासर इंट्रेंसिक फैक्टर, तो सी का आंसर वन होना चाहिए, आंसर वन। डन। क्वाशियॉर्कर भाई एक होता है मरास्मस, मारा मर गया क्योंकि उसको ना प्रोटीन मिल रहा है ना ही आपको एनर्जी मिल रही है। मरास्मस का तो हालत बुरी है, क्वाशियॉर्कर में एनर्जी तो मिलती है जिसमें जिसकी वजह से शरीर में फुलावट आ जाती है, बस प्रोटीन की कमी होती है। इट इज़ अ प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट एक्म्पनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी, स्टेटमेंट वन सही, पहला नाउट डन। 31 मैच द फॉलोइंग जेनरा विद द रिस्पेक्टिव फाइलम, ओफियोरा, फाइसेडिया, पिंकटाडा, प्लेनेरिया। सबसे आसान है, अगर सबको अगर इसमें बेटा कन्फ्यूजन होती है ना, सबसे पहले आप क्या करो, प्लेनेरिया सबसे ईजी, डी का आंसर होना चाहिए टू। एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है, एग्जामिनर ने देखा कि बच्चों को सबसे ईजी जो होता होगा, सबसे ईजी यहाँ पे प्लेनेरिया, उसको हम कर देते हैं। फिर फसालिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इसको फाइसेलिया मत बोला करो, फसालिया, क्योंकि पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर लड़ाई में यानी वॉर में जाएगा तो फंस जाएगा ना, तो फसालिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर अपने पास सिलेंट एडिट होता है, तो बी का आंसर होना चाहिए फोर, ये और ये, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कट चुका था क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो आंसर अपने पास बनता है थ्री। डन, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स एंड बायलेटरल सिमेट्री, एनिलिडा सही है, एडल्ट एकाइनोडर्म रेडियल होता है, एस्केल्मिंथिस नॉट ट्रू सिलोमेट, ये ए सिलोमेट, आंसर वन। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमिक ट्री, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करी है, अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी पेयर की बात कर रहे हैं, और पेयर की हमेशा लिए वर्ड यूज होता है कपलेट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट होता तो बेटा हम लीड कह देते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूछ रहा है तो आंसर कपलेट होना चाहिए था, कुछ क्वेश्चन ने इसमें गलती करी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम सबसे पहले पढ़ाते हैं यार, सबसे पहले पढ़ाते हैं, मतलब ये इतना ईजी है। टाइट जंक्शन आपके पास लीकेज प्रिवेंट करता है, तो एक आंसर होना चाहिए थ्री, एक आंसर थ्री, ऑप्शन नंबर फोर, डन, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत, फीमेल कॉकरोच पजेसेस 16 ओवेरियोल्स इन द ओवरीज, बेटा अगर ईच में बोलता तो गलत हो जाता, अभी तो सही है ना क्योंकि दोनों ओवरीज में 8-8 हैं, आपके पास बन गए ना। कॉकरोच एग्जिबिट मोजाइक विजन, सही है, विद लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजोल्यूशन, नहीं, दे हैव मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट नंबर टू रॉन्ग हो गया, पहला सही है। मशरूम ग्लैंड 6-7 सही है, स्पर्माथिका 6 सही है, तो आंसर नंबर टू। तो इसके साथ साथ हमारी पूरी की पूरी कवर हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है ये सारा का सारा डिस्कशन, तो डिस्कशन ये वाले पेपर का कंप्लीट। मुझे उम्मीद है तुमने समझ आया, मज़ा भी आया होगा, एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रिविजन भी हो गया, तो इसके साथ फॉलो करते रहो, मन लगा के मेहनत करते रहो। पेपर 2019 के दोनों करवा दिए हैं, ये देखते हुए कि आप लोग समझें इस बात को कि पेपर का लेवल NCERT बाहर कुछ नहीं है, तो बेटा अगर मन में कोई टेंशन चल रही है मैं तो सिंपल ये कहूँगा, अपने पे विश्वास रखो, अपनी पढ़ाई गई चीज़ों पे विश्वास रखो, तुम्हें सब कुछ आता है, बस पेपर में जाके शांत दिमाग से बैठना है, और इतना झक्कास पेपर होगा ना कि फोड़ाओगे तुम लोग, बेटा अब आराम से बैठो, आराम से तैयारी करो, मस्त काम।